là, qu'est-ce qu'un homme? Raoul Dhabi, t'es un homme. NSU, Zindabad. Zindabad, Zindabad. NSU, कुणाल सरावत है एनएसवाई ने मुझे मौका दिया था और उनके मौके से मैंने उतारा और मैं साल चुनाव जीता वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट का मुद्दे सिर्फ यही रहेंगे कि जो हमने वादे किए थे जो हमारे कैंपस के इशू जो हमारी यूनिवर्सिटी के इशू है चाहे वो हॉस्टल फैसिलिटीज हो चाहे वो मेट्रो कंसेशन हो या फिर जो हर साल फंड बनता है उस फंड का जो एबीवी ने गलत यूज किया उस फंड को ऑनलाइन किया जाएगा लगता है क्या उम्मीद थी कि ये दो सीटें भी बात की जा रही है कि एनएसयूआई की वापसी यानी कि ये माने कि कांग्रेस की वापसी नहीं बहुत बड़ी जीत है अगर आप देखें तो जिस तरीके से अंदर इलेक्शन को मैनिपुलेट कर दिया गया है जो पहले हमें 3 सीटों पे जीत बताया गया फिर लास्ट में वहाँ पे कैमरा ऑफ हुए हैं लाइट ऑफ हुआ है पुलिस ऑफिसर्स के मोबाइल बजे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेशन हुआ फिर भी 2 सीट अगर हम जीते हैं जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी खुद प्रचार कर रहे थे एबीवीपी के लिए हर एक कॉलेज में उनका भाषण दिखाया गया तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की हार है 3 सालों के इनके जो सरकार का बायोडाटा है उसके आधार पे बच्चों के बीच में जो रोरोस है वो निकल के आया है और ये जीत कांग्रेस के सपोर्ट में गई है ये बहुत बड़ी जीत है हमारे इसमें ना एक क्लियर कट है कांग्रेस पार्टी में हर चीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है आप हमारे यहाँ किसी राहुल गांधी को कभी इन चीज़ों पर बोलते नहीं दिखे या कोई प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट या मनमोहन सिंह इस इलेक्शन को कहीं ना कहीं बीजेपी ईगो का इशू बना रही थी गुजरात में अहमद पटेल जी के इलेक्शन की बात हो राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात हो पंजाब यूनिवर्सिटी की बात हो इन सबके हार के बाद ये बौखलाई हुई तो यहाँ पे एनकेएन किसी भी तरीके से मनी पावर से मसल पावर से इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे अभी भी हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया फिर हम कोर्ट से हमें ऑर्डर मिला कि नहीं उसे लड़ना है इलेक्शन तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बीजेपी और गवर्नमेंट इस पे लगी हुई जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत ओछापन है